जेईई मेन 2023 जनवरी में दें या अप्रैल में? जो बच्चे ट्वेल्थ में हैं उनको क्या करना चाहिए, जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनको क्या करना चाहिए? कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, रिवीजन हो चुका है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, मे बी 50%, 60%, 70% हुआ है, स्पेशली ड्रॉपर्स। या फिर ट्वेल्थ के वो बच्चे जो बोलते हैं इलेवेंथ वेस्टेड वाले, इलेवेंथ बर्बाद कर दी थी और ट्वेल्थ में लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो किसके लिए क्या सही रहेगा, है ना? क्योंकि एक यूजुअल सा आइडिया है कि पूरा फोकस अप्रैल में करो, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि जनवरी में कम कॉम्पिटिशन होगा यार। तो यार वो केस डिपेंडेंट है, और किसके लिए क्या सही रहेगा और तुम्हें क्या करना चाहिए जिससे तुम अपना बेस्ट आउटपुट दे पाते हो ना, है ना? और कुछ बच्चों के फिर बोर्ड्स भी होने वाले हैं ना ट्वेल्थ के बच्चों के, तो किस समय तुम्हारे लिए क्या सही होगा उसके बारे में बात करते हैं ना। तो देखो यार, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ट्वेल्थ के उन बच्चों की ना, ट्वेल्थ में वाले बच्चे जिन्होंने ढंग से इलेवेंथ और ट्वेल्थ पूरी प्रिपरेशन करी है ना, दो साल तमीज से प्रिपरेशन करी, सही टाइम पे ज्वाइन कर लिया था, है ना? जैसे जो बच्चे अनअकैडमी पे दो साल मुझसे पढ़े हैं इलेवेंथ, उनका सिलेबस हमने सेप्टेम्बर में कंप्लीट कर लिया था, अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर उनका जो फर्स्ट रिवीजन है वो पूरा कंप्लीट होने वाला है, तो वो लोग जनवरी के लिए 100% प्रिपेयर्ड है, तो उनको तो उनमें उनको तो कोई डाउट ही नहीं है। जो भी इस तरह के बच्चे जिनका सिलेबस हो चुका है, रिवीजन पूरा हो चुका है, आधा भी हो चुका है, तो तुमको तो यार 100% फोकस अपना जनवरी पे ही रखना है, तुम्हें पूरी जान लगा के अपना जनवरी का मेंस देना है, और तुम्हें बोर्ड वगैरह के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना यार, क्योंकि जब तुम जेईई मेन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये तीनों 100% प्रिपेयर हो रहे हैं तुम्हारे ट्वेल्थ के बोर्ड के लिए भी, कुछ भी अलग नहीं कर रहा, 100% प्रिपरेशन हो रही है तुम्हारी। तुम उसके लिए एनसीईआरटी भी पढ़ना है, हम लोगों ने जो नोट्स पढ़ा है उस पर ध्यान देना है, न्यूमेरिकल करना है, बस एंड में तुमको कुछ रिटर्न टेस्ट देने होंगे, तुम्हारे बोर्ड के लिए तुम्हारी दोनों प्रिपरेशन हो रही है। तो तुम्हें इसी बार टारगेट रखना है यार कि तुम्हें अपना टारगेट ये रखना है कि 300 में से कुछ भी हो जाए, है ना, 200-250 के ऊपर नंबर लेके आना है। 200 नंबर भी लेके आते हो तो तुम्हारी 5000 के अंदर रैंक होती है, तुम्हारी सीट एक डिसेंट एनआईटी में सिक्योर हो जाती है। उसके बाद फिर तुम्हें अप्रैल जेईई मेन की तैयारी करनी नहीं है, तुम्हें अपना बोर्ड देना है और तुम्हारा पूरा फोकस जेईई एडवांस पे होगा, कंप्लीट फोकस। इस अब जो जिन बच्चों ने अभी तक जेईई एडवांस के पीवाई क्यों नहीं करे हैं, जैसे ही तुम्हारा जनवरी का ये खत्म होता है तुम बोर्ड करते हो अपना, उसके बाद तुम्हें एडवांस के पूरे पीवाई क्यों लगा देने चालू कर देने। तो आई थिंक इन लोगों का तो सॉर्टेड है ना। अब बात उन बच्चों की करते हैं जिनका ट्वेल्थ में हो सकते हैं, वो बच्चे ट्वेल्थ में और उनका पूरा सिलेबस नहीं हो, अभी भी सिलेबस चल रहा हो 80-70% कुछ कराओ, या फिर वो बच्चे स्पेशली ड्रॉपर्स है ना, क्योंकि ड्रॉपर्स के तो बैचेस ही लेट स्टार्ट हुए यार, अगस्त सितंबर में स्टार्ट हुए। और अगर हमें जेईई मेन एडवांस की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन ढंग से तमीज से करनी है, जिसमें हम तगड़ी रैंक्स लेके आ सकते हैं, जिसमें जिसके थ्रू हम आईटी दिल्ली, आईटी बॉम्बे में सीएस ब्रांच भी ले सकते हैं ना, अंडर 100 रैंक्स लेके आ सकते हैं, जो बिल्कुल एक्चुअल कंप्लीट प्रिपरेशन, उसके लिए मिनिमम 7 मंथ्स तो चाहिए होते हैं, इससे कम में नहीं हो सकती। अगर आपको प्रॉपर जेईई एडवांस के लिए पढ़ना है ड्रॉपर बैच में, तो 7 मंथ से कम में तो कभी प्रिपरेशन नहीं हो सकती, और किसी भी अच्छी कोचिंग और किसी भी अच्छे बैच में ऐसा नहीं होता। हाँ, कई जगह 4-5 महीने में भी कराते थे, वो से मेंस लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं। याद रखना, अगर तुम कहीं पर भी पढ़ रहे हो जहां पर तुम्हें मेंस ले, अभी बोला जा रहा है कि अभी मेंस के लिए प्रिपरेशन कराना है, बाद में एडवांस के लिए कराएंगे, तो याद रखना तुम्हारी प्रिपरेशन हमेशा मेंस लेवल पे ही हो रही है, एडवांस की प्रिपरेशन कभी मेंस के बाद नहीं कर सकते यार। देखो, ये जो सब्जेक्ट है ना, एडवांस हमेशा मेंस और एडवांस जो भी होता है तुम्हारा सब्जेक्ट, वो हमेशा साथ में पैरेलली चलता है, क्योंकि एडवांस में क्या होता है, आपको हर टॉपिक के ज्यादा डेप्थ में जाना होता है, आप उसको बाद में तैयार नहीं कर सकते, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करनी होती है। एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन तो ये है यार कि अभी मेंस के लिए पढ़ लो फिर बाद में हम क्या करेंगे, एडवांस के लिए डिफिकल्ट वाले न्यूमेरिकल कर लेंगे, ये बहुत गलतफहमी है। एडवांस इज नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग दोस डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स, इट इज अबाउट गोइंग डीप इनटू द सब्जेक्ट, और जब तक तुम सब्जेक्ट में डीप नहीं जाओगे तुम्हारे वो एडवांस के न्यूमेरिकल कभी सॉल्व नहीं होने वाले। हो सकता है तुम बहुत सारे टीचर्स की एडवांस वाली न्यूमेरिकल सीरीज ज्वाइन कर लो, पर उससे वो टीचर्स सॉल्व कर रहे होंगे वो क्वेश्चन, तुम सॉल्व नहीं कर रहे होगे। तो तुमको पहले दिन से अपनी एडवांस की प्रिपरेशन चालू करनी होती है, इसलिए तुम किसी भी अच्छी कोचिंग में जाओगे, हमारे पास होगे, कहीं भी जाओगे, पहले दिन से तुम्हारी प्रिपरेशन मेंस प्लस एडवांस की होती है, और उसको करने के लिए हमें 7 मंथ चाहिए होता है। तो जो बच्चे ड्रॉपर हैं उनका इस पॉइंट तक प्रोबेबली 70-75% के अराउंड सिलेबस हो गया होगा ना, तो वो बच्चे, उन बच्चों की लगभग हर रोज क्वेरी आ रही है कि सर हम क्या करें, हमारे लिए कैसे होगा, सर मैं जनवरी के लिए क्या फटाफट फॉर्मूले रिवाइज करना चालू कर दूं जो पिछले साल पढ़ा था, अब मैं क्लासेस करना बंद कर दूं, या फिर सर मैं जो जनवरी वाले को कंप्लीटली छोड़ दूं और अप्रैल पे फोकस करूं। तो सुनो, ध्यान से बात सुनो ना, इन बच्चों को बहुत ध्यान से बात सुनिए। देखो, पहले तो एग्जाम में समझो ना, जो तुम जेईई मेन एग्जाम देने जा रहे हो, अगर तुम 300 में से 200 नंबर लेके आते हो ना, समवेयर ऑन एवरेज बोले तो तुम्हारी 5000 के अराउंड रैंक होती है ना, मतलब तुम 67% मार्क भी सिक्योर कर रहे हो तो तुम्हारी 5000 के अंदर रहेंगे, जो तुम्हें एक डिसेंट एनआईटी तक पहुंचा देती है एक डिसेंट सीट के साथ। अगर तुम 300 में से 150 नंबर भी लेके आ रहे हो तो तुम 20,000 के अंदर हो, मतलब तुम्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई एनआईटी ट्रिपल आईटी वगैरह मिल जाएगा, है ना, है ना, डिसेंट एनआईटी, अगर मैंने आईआईटी बोल दिया था तो, है ना, एनआईटी की बात करें, मैं ना एनआईटी की बात करें ना, ऑफकोर्स एनआईटी ट्रिपल आईटी वगैरह। तो ये समझो कि तुम क्या कर रहे हैं, दिक्कत ये हो रही है बच्चों की कि जो 70-75% तुमने सिलेबस अभी तक कर लिया है ना, चाहे तुम हमसे पढ़ रहे हो या फिर किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो ना,
तुम उसकी जगह जो 25% नहीं हुआ उसके बारे में सोच सोच के अपना समय बर्बाद कर रहे हो। कुछ बच्चों ने क्लासेस मिस करना चालू कर दिया है। देखो ये बहुत गलत चीज है, इससे तुम क्या करो, अपना जनवरी टाइम तो तुम खराब करोगे ही करोगे, तुम अपना अप्रैल वाला भी खराब कर लोगे। तो तुमको अभी क्या करना है यार, तुम्हारा जो 70-75% सिलेबस हो गया है अपना 100% फोकस उस पे लगाओ ना यार, वो तुमने बहुत अच्छे से तैयार करा हुआ है तो उसको बहुत तगड़े से तैयार कर लो, इतने तगड़े से तैयार कर लो कि यार उसका क्वेश्चन आए तो तुम्हें छोड़ना नहीं है। अगर तुमने ये भी सक्सेसफुली कर लिया ना, तुम 70-75% मार्क्स भी तुमने सिक्योर कर लिए तो तुम 5000 के अंदर हो यार, एक सेफ जगह पे तो एटलीस्ट पहुंच ही जाओगे। अब उस 25% के लिए क्या कर सकते हो यार, एक या दो संडे बैठो और उनके फॉर्मूले बस रिवाइज कर लो, उसमें बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं कि पुराने साल के नोट्स भी उठा के रिवाइज कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उसके चक्कर में बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी जो करंट क्लासेस चल रही हैं जिसमें सिलेबस जनरली तुम्हारा फरवरी या फिर कुछ जगह पे मार्च में मिड मार्च तक खत्म होने वाला है, जिसमें तुम्हारा कंप्लीट मेंस और एडवांस का डिटेल में सिलेबस विद डीपीपी एससी वर्मा एंड शीट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म होगा, तुम उस प्रिपरेशन को खराब कर रहे हो। तुम अपने एक महीने और डेढ़ महीने का पूरा पीरियड तुम वो खराब कर रहे हो, उससे तुम्हारा अप्रैल वाला अटेम्प्ट और जो एडवांस वाला है वो भी खराब हो जाएगा। तो ये समझो, कई बच्चे जो लोग अब क्या कर रहे हैं जनवरी के लिए, वो पूरा छुट्टी मारे जा रहे हैं, वो क्लासेस करना बंद कर दिए, बैठ के अपना रिवीजन कर रहे हैं। तुम अपना जनवरी तो खराब कर रहे हो, साथ में अप्रैल भी खराब कर रहे हो। तुम्हें स्मार्टली पढ़ाई करना है। देखो तुम आईआईटी में जाने वाले हो, आईआईटीएन बनने वाले हो, एनआईटीएन बनने वाले हो, तुम्हें इमोशनल होकर काम नहीं करना, तुम्हें घबराना नहीं है। तुम्हारे पास एक पूरा प्लान होना चाहिए, एक वेल डिफाइंड प्लान कि यार मुझे इस तरीके से चल के जाना है और उस पर फिर तुम्हें एक्ट करना है ना। यहाँ पे इमोशनल होकर घबरा के थोड़ी ना काम होता है। तो लॉजिकली सोचो, तुमने जो 75% के लिए उसको पूरा ढंग से करो, बाकी 25% के फॉर्मूले बस रिवाइज करो और जब एग्जाम आए ना तो सोच लेना मुझे सबसे पहले वो 75% ढूंढ ढूंढ के करने, उनको पूरा खत्म कर डालो 2-2.5 घंटे में पेपर में और फिर बाद के समय में उठा के वो 25% पे ट्राई मारो अपना। तुम जनवरी में अपना बेस्ट दोगे, तुम्हारी जो तुम्हारी अभी क्लासेस चल रही है, जो तुम्हारा सिलेबस चल रहा है, जो तुम्हारे कोर्सेज बैचेस चल रहे हैं उसमें पहले तो उसकी प्रिपरेशन खराब नहीं होगी। इसके बाद जब तुम अप्रैल में जाओगे तो बहुत तगड़ा दे पाओगे, क्योंकि तुम्हारा पूरा सिलेबस विद रिवीजन खत्म होगा, एडवांस तक खत्म होगा, उसका सिर्फ एडवांस पे फोकस करना होगा, है ना। तो तुम्हारी प्रिपरेशन मेंस के साथ एडवांस लेवल तक होगी ना। तो जो ड्रॉपर बच्चे हैं उनको ये करना है और जो बच्चे 12th के हैं ना, जिनका सिलेबस नहीं हुआ है, उनको भी यही चीज फॉलो करनी है ना। और साथ में उनको अपने 12th बोर्ड एग्जाम का भी ध्यान रखना है, क्योंकि उनको बोर्ड है ना, तो उनको 12th पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी देने हैं, ठीक है। तो आई थिंक इसमें तुम्हारी सारी क्वेरीज क्लियरिफाई हो गई होंगी। अगर इसके अलावा भी भाई कोई डाउट बच गया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं क्लियरिफाई कर दूंगा। एक बहुत शानदार चीज हो रही है जेईई मेन 2023 एस्पिरेंट के लिए, है ना। चाहे तुम पूरी जान लगा के जनवरी में देने वाले हो, तुम्हारा सिलेबस हो चुका है, या फिर तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ और तुम अप्रैल वाले में पूरी जान लगाओगे दोगे जनवरी वाला भी, दोनों के लिए देखो अनअकैडमी पे हमने एक फ्री ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी ना। सबसे बड़ा फायदा है कि पूरे ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन मिलता है, पूरे ऑल इंडिया से कई बच्चे इसको अटेम्प्ट करते हैं, लगभग हर कोचिंग के, ठीक है। तो ये फ्री है, हर संडे को तुम्हारा जेईई मेन लेवल पे एग्जाम हो रहा है। ये 18 दिसंबर से ऑलरेडी चालू करती है ना, तुम्हारे जेईई मेन एग्जाम तक चलनी है जनवरी तक। हर संडे को तुम्हारा पेपर हो रहा है, वो भी दो पेपर बिल्कुल एग्जैक्टली उसी टाइम पे हो रहा है जिस टाइम पे तुम्हारे जेईई मेन का पेपर होता है। तो तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक एग्जैक्टली उसके हिसाब से सेट हो जाएगी, तो इसको देना चालू करो। तो इससे तुम्हारी हर संडे को प्रिपरेशन हो रही है, दो पेपर देने की जरूरत नहीं है, एक पेपर दे लो। जिन लोगों की बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी है, बिल्कुल फाइनल चल रहा है, वो लोग दो पेपर भी दे सकते हैं। अपने आप को और चैलेंज करो अपने दिमाग को, ठीक है। जो टॉप 100 परफॉर्मर्स होंगे उनको 50% तक स्कॉलरशिप भी मिल सकती है अनअकैडमी पे, एसआरजी बैच भी बन रहे हैं, ठीक है। तो वहां पर भी, वहां से बिल्कुल सीधे रैंक्स के लिए तैयारी कराई जाएगी ना, ताकि तुम एडवांस में भी बहुत तगड़ा परफॉर्म कर सको। एंड दिस इज कंप्लीटली फ्री फॉर एवरीवन, है ना। तो इसमें एनरोल करने के लिए यू कैन यूज द कोड, अगर तुम्हें मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो मेरा कोड यूज कर सकते हो, माय कोड इज फिजिक्स लाइफ, है ना। दिस इज कंप्लीटली फ्री फॉर एवरीवन। आई होप इट क्लैरिफाइज एवरीथिंग, एंड वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब वगैरह कर देना, है ना। चलो बाय बाय।